1 अप्रैल सोमवार से नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। रतलाम में भी आज से शासकीय अशासकीय स्कूल में नए सत्र का प्रारंभ हुआ। हालांकि स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम रही, लेकिन नए शैक्षणिक सत्र को लेकर बच्चों का स्कूल में उत्सवी माहौल में बड़े उत्साह पूर्वक प्रवेश करवाया गया। शासकीय स्कूलों में बच्चों को तिलक लगाकर व मिठाई खिलाकर स्कूल में प्रवेश करवाया। वहीं सत्र में प्रवेश के दौरान बच्चों को मनोरंजक तरीके से सत्र प्रारंभ करवाया गया। अब स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों को उनके नई कक्षाओं के पाठ्यक्रम को लेकर जानकारियां दी जाएगी। वहीं नए शैक्षणिक सत्र में परीक्षा उत्तीर्ण कर बच्चों को अगली कक्षाओं में पढ़ाई के लिए तैयार किया जाएगा। मार्च में शराब के नई दुकानों के ठेके हुए, जिसमें 1 अप्रैल से कई दुकानों के स्थान परिवर्तन हुए। ऐसे में रतलाम में भी नई जगह शराब दुकानें खोलने को लेकर अब विरोध प्रदर्शन भी सामने आए हैं। दरअसल गांधीनगर क्षेत्र और राजेंद्र नगर रोड पर शराब की दुकान खोलने को लेकर रहवासियों की नाराजगी और विरोध देखने को मिला। रतलाम के हाट रोड और राजेंद्र नगर रोड के बीच खुली नई शराब दुकान को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। क्षेत्र की महिलाएं बड़ी संख्या में शराब दुकान का विरोध करने सड़क पर उतरी। महिलाओं का कहना है, जिस जगह शराब दुकान खोली जा रही है वहां से पास ही में मंदिर मस्जिद है, वहीं दुकान से लगा भी एक धार्मिक स्थल भी है। वहीं जिस जगह दुकान खुली है वहां से स्कूल बस का स्टॉप भी है। महिलाएं वहां से रोज बच्चों को स्कूल बस में बैठाने के लिए आती हैं, इसलिए यह जगह शराब दुकान के लिए ठीक नहीं है। महिलाओं ने रोड पर जाम भी किया, जिसके बाद दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने विरोध को देखते हुए दुकान का शटर बंद करवा दिया। वहीं विरोध कर रही महिलाओं ने शराब दुकान पर ताला लगाकर चाबी कलेक्टर कार्यालय देने पहुंची, जहां शराब दुकान राजेंद्र नगर क्षेत्र में न खोलने को लेकर मांग पत्र प्रशासन को सौंपा व दुकान की चाबी भी प्रशासन को सौंप दी और शराब दुकान उस स्थान पर न खोलने की मांग की। लेकिन क्षेत्रवासियों के विरोध का जरा भी असर नहीं हुआ। आबकारी अधिकारी ने दुकान उसी जगह नियम के मुताबिक बताकर होना खोलने की बात कही। वहीं आसपास धार्मिक स्थल के कारण विरोध होने पर आबकारी विभाग अधिकारी ने कहा कि शराब दुकान के आसपास धार्मिक होने पर शराब दुकान नहीं खोली जा सकती, लेकिन नियम के मुताबिक धार्मिक स्थल रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे में इस बयान के बाद अब मामला काफी चर्चा में आ गया है। नए अनुज्ञप्ति धारक द्वारा नवीन स्थल पर दुकान आरंभ की गई है। हाट की चौकी दुकान के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ कतिपय नगरवासियों के द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है। दुकान नियमता खोली गई है और नियमता वो संचालित की जा रही है। दुकान लाइसेंसधारी दुकान है, लाइसेंस जिसको आवंटित किया गया है। दुकान 100 मीटर की परिधि में यदि होती है, कोई भी धार्मिक स्थल यदि कोई होता है तो उसको दुकान वहाँ पर संचालित नहीं की जाती है। लेकिन उसके निर्देश हैं कि जो धार्मिक स्थल है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि वो रजिस्टर्ड है तो फिर वहाँ दुकान संचालित नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस जगह शराब दुकान खोली जा रही है वहाँ से कुछ ही दूरी पर मस्जिद भी है और मंदिर भी है। वहीं शराब दुकान के पास ही धार्मिक स्थान भी है। देखना यह होगा कि अब शराब दुकान का विरोध कितना तूल पकड़ता है। इसलिए आ रही है कि हमारे मोहल्ले में यहाँ पर शराब की दुकान ओपन हो रही है। यहाँ हम पास में पूजा करते हैं, यहाँ बच्चों का स्टाफ है, मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है। अब सब लोग यहाँ पे बस स्टॉप है, हम बच्चे कॉलोनी में रिक्शा स्टैंड है, लेडी से कहाँ जाएंगी, कहाँ खड़ी होंगी। और आज ये पी के अभी 2 दिन ही हुए, पीछे बोतलें फेंकी है, 10 बोतलें आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। ये सारी किसके लिए हम सब आंदोलन कर रहे हैं कि ये यहाँ नहीं खुलनी चाहिए। पुलिस अधिकारी आए, क्या आपसे बातचीत हुई? पुलिस अधिकारी कह रहे थे हम आपके साथ में आवेदन दिया है और कलेक्टर में जाने को बोला है कि आप जाके आवेदन दीजिए। नहीं मानते फिर आप क्या करेंगे? नहीं मानेंगे तो हम भी इसी तरह आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। बाजना बस स्टैंड से लेकर अमरसागर तालाब तक कई लोगों ने यहां पक्के अतिक्रमण कर दुकानें और गुमटियां स्थापित कर ली है। साथ ही इसी क्षेत्र में सड़क किनारे ईंट भट्टा भी संचालित किया जा रहा है, जिससे यहां के रहवासियों का इस क्षेत्र में रहना दुभर हो गया है। यहां के रहवासियों ने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार हमने इसकी शिकायत की मगर कोई कार्रवाई नहीं होती है। निगम कर्मी आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। यहाँ के रहवासी कमल प्रजापति ने बताया, इन ईंट के भट्टों से किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। आपका
कमल भरजावत। कमल जी, ये जो भट्टा है इससे क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या सर, पहले भी एक बार पास में भट्टी जली थी, थोड़ी आग लग गई थी, तो पहले ऐसा कुछ नहीं बुझा दी थी आग, खराब लगती है तो कौन माता बड़े धुआं, इसमें जूता चप्पल है, टायर लगा रखे, ये जलेगा तो इसी बदबू आएगी रात को भी और दिन में भी आएगी। दिन इससे समस्या हो रही है आपको, सांस लेने में दिक्कत हो रही है? इससे प्रॉब्लम होती है, टायर जलते हैं और भट्टी एक दिन ठंडी नहीं होगी, चार पांच दिन रहेगी लगी। हमने इनके बाद तीन चार बार बोला भी, हमारे समाज के ये मानते नहीं, बोले देर से हो जो कर। किन का भट्टा है, कहाँ पर है? केला जी परजापत, मेरे घर के सामने भट्टी कर। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करते हैं। इसकी नगर निगम वगैरह में शिकायत वगैरह की आपने? एक दो जगह नगर निगम रसीद काटते हैं मुर्गे मुर्गी की, ये लोग आते हैं इसे पैसे लेकर चले जाते हैं। अच्छा, एक दो बार इसको डराया भी सही, जैसे हटाया हटा भी करे, फिर उन्होंने पैसे दिए चले गए लेके, वो पैसे हर बार आते हैं इसको, पैसे 1000-1500 रुपये लेके चले जाते हैं। हम बोलते हैं कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ, लेके चले आते तो किस बात के पैसे देते हैं इनको? ये तो मैंने पूछा उनको कि भाई किस बात के पैसे, तो बोले ऐसा कुछ नहीं, रसीद बना दी, मगर रसीद बनाने लाइसेंस दे दिया क्या? हाँ, तो ये अवैध है, सरकारी जमीन पर है? सरकारी जमीन है, मेरा मकान भी सरकारी जमीन, मेरा पट्टा वट्टा सब है। हाँ, मेरे गोदाम से 25 साल हो गए, यहीं का पता भी है, आधार कार्ड भी है। हाँ, पर ये लोग जब ऐसे कब्जा करके परेशान करते हो, तो कब्जा करने में जमीन से कोई मतलब नहीं, ये काम गलत कर रहे हैं, ईंट का भट्टा कर रहे हैं और इसमें प्रदूषण बहुत होता है, उसी बाद आग लगी, इसकी जवाबदारी कौन है? मेरा घर है, मैंने 2-4 बार इनको समझाया भी सही, इन्होंने लड़ाई भी करी, मेरे नाम की रिपोर्ट भी करी, हर बार मेरा आवेदन भी दे रहे थाने में, ये उनको हाथ जोड़ के समझा, बोले मेरे को वहाँ नुकसान नहीं करना मेरे को। रतलाम जिले में एक शख्स ने बेटी के लापता होने के बाद फांसी लगा ली, उसकी लाश पेड़ पर लटकी मिली, परिजन ने शव 7.5 घंटे तक फंदे से उतारने नहीं दिया, पुलिस की काफी समझाइश के बाद रात 12:10 बजे शव नीचे उतारा गया। घटना कालूखेड़ा थाना की माओता पुलिस चौकी के रानी गांव की है, गांव के रहवासियों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते SP राहुल कुमार लोढ़ा ने सोमवार दोपहर में चौकी प्रभारी प्रताप सिंह भदौरिया को निलंबित कर दिया। का मामला आया सामने, 7 घंटे तक लाश टंगी रही। कालूखेड़ा थाना अंतर्गत मावता चौकी में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर एक व्यक्ति द्वारा जो है वो फांसी लगा ली गई थी, उसमें उसका जो है 6 मार्च को उसकी जो नाबालिग लड़की है वो कोई लड़के के साथ में चली गई थी। 363 का मामला उसके अंदर पंजीबद्ध किया गया है, पुलिस उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें तथ्य सामने आए हुए हैं कि उसके द्वारा है 2-3 बार थाने में भी शिकायत की गई है, और साथ साथ में जो है वो लड़की बरामदगी के लिए थाने पर उसने शिकायतें भी की है, CM हेल्पलाइन में भी शिकायत करी है, और कल जो है वो उसके द्वारा स्वयं को खुदकुशी कर ली गई है, और उसके बाद उसके घर के कुछ लोग वहाँ पर जो है वो उसको बोल रहे थे कि भाई चौकी प्रभारी के द्वारा जो है वो तत्काल एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से इससे घटनाक्रम हुआ है, और भी उन्होंने उनके द्वारा आरोप लगाए हैं चौकी प्रभारी के ऊपर, उसी को ध्यान में रखते हुए चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, और CSP जावरा को जो है वो प्राथमिक जाँच दे दी गई है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्यवाही करेंगे। अभी जो लड़की को भगाने के लिए जिन्होंने मदद की थी वो 2 लोगों को राउंड अप कर लिया गया है, और भी आगे कार्यवाही की जा रही है, जैसे ही लड़की बरामद होगी अग्रिम कार्यवाही भी की जाएगी। ज़रूर, अगर प्राइमा वैसे देखा जाए तो 24-25 दिन से अगर वो लड़की बरामद नहीं हुई थी, तो उसके बाद में उसको लगातार जो है वो ढूंढना, और साथ साथ में जो उसके तरफ से एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भांझड़ा वगैरह कुछ अंदर से चल भी रहा था, तो वो भी अगर संज्ञान में आया हुआ था तो उसके ऊपर भी तत्काल एक्शन लेना चाहिए था। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्यवाही की गई है, और प्राथमिक जाँच की जैसी रिपोर्ट आ जाएगी उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे। रतलाम के अमलेटा व सेमलिया के 2 युवकों की जघन्य हत्या के फरार 14 आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इनाम भी घोषित कर चुकी है। अब पुलिस सभी फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करेगी, साथ ही न्यायालय से फरार आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट भी जारी करवाए हैं। बता दें कि 21-22 मार्च की दरमियानी रात 2 युवकों की हत्या कर नामली थाना अंतर्गत महू नीमच फोरलेन हाईवे रोड कांडरवासा फंडे पर शव फेंक कर चले गए थे। मृतकों की पहचान अमलेटा के गजेंद्र सिंह डोडिया व सेमलिया के केशव गुर्जर के रूप में हुई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए अमलेटा फोरलेन फंडा पर चक्का जाम भी कर दिया था। बाद में नामली थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की। हत्या के 21 आरोपी सामने आए, जिसमें पुलिस 7 को गिरफ्तार कर चुकी है, शेष 14 घटना के बाद से अभी तक फरार है।
एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने फरार सभी 14 नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने तथा कड़ी वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में नामली थाना पुलिस ने सभी फरार 14 आरोपियों की संपत्ति की कुर्की की तैयारी की है। संबंधित विभागों से संपत्ति की कुर्की कराने की तैयारी कर रही है। सभी 14 आरोपियों की गिरफ्तारी वारंट न्यायालय से जारी किए गए।